देखिए बात ऐसा है ना कि आपका अभी जो है बेटा गणेश चतुर्थी आपका, तो गणेश चतुर्थी का पूजा तो होता था घर वगैरह में, ठीक है, लेकिन महोत्सव जैसे पब्लिकली मनाते हैं ना अभी, वैसे नहीं मनाते थे। हाँ, पहले तो ये लगभग आपका 1900 नहीं 1893 में लोकमान्य तिलक ने जो है शुरू किया गणेश उत्सव, ठीक है। तो उनका इतिहास उनका ये था कि उसमें अंग्रेजों का मतलब इतना डर था ना कि मत पूछिए, अंग्रेजों का पुलिस का इतना डर था कि मत पूछिए। तो लोकमान्य तिलक एक बात हमेशा सोचते थे कि आखिर अंग्रेजों से अगर लड़ना है तो सबसे पहले तो अंग्रेजों का जो डर है भारतवासी के मन से, ये डर पहले भगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो सोचा करते थे कि डर भगाऊं कैसे, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये गणेश उत्सव के बारे में फिर सोचा, तो उसमें ये भी एक प्रॉब्लम था कि एक जगह सम्मिलित जैसे नहीं होने दिया जाता था, ठीक है। जैसे एक जगह आपने 8-10 आदमी अगर इकट्ठा हो गए तो पुलिस डंडे बरसाना शुरू कर देता, एक जगह जमा नहीं होने देता। और ये एक धारा चलता था 144, मालूम है आपको, अभी भी तो 144 में कर्फ्यू वगैरह पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो ये 144 धारा जो है अंग्रेजों ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाए थे कि भाई एक जगह लोग इकट्ठा होते तो आपस में बातचीत करते, तो इस तरह से हो सकता था कि इकट्ठा होकर के क्रांति कर दें, तो क्रांति ना कर पाए, इकट्ठा ना कर पाए, जब अलग अलग रहेंगे तो ज्यादा दिन तक गुलाम बना के रखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने 144 धारा बनाया। तो 144 धारा के तहत जो है इकट्ठा नहीं होने दिया जाता था। तो लोकमान्य तिलक ने क्या किया कि गांव गांव में जाना शुरू किया और व्याख्यान देना, अपना भाषण वाषण देना शुरू कर दिए, ठीक है, और कहना शुरू कर दिए कि गणेश उत्सव के लिए संगठन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र से तो शुरू हुआ। तो ये ज्यादा करके कहते थे कि अंग्रेजों से लड़ने का ताकत हमें गणेश जी के द्वारा मिलेगा। जैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं ना, कि चाहे जिसका भी पूजा करो पहले गणेश पूजा होना ही चाहिए। तो कहते थे कि हमें बचाएंगे, विघ्नहर्ता है हमारे भी विघ्न हरेंगे। तो उनका मतलब व्याख्यान इतना ज्यादा वो मतलब प्रेरणादायक रहता था कि वो फिर संगठन उनका बनना शुरू हो गया। लोकमान्य तिलक कहते ये रहते थे ये चीजें कि चाहे पुलिस मारे पीटे चाहे जेल में डाले, क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा देर जेल में डालेगा, तो मारे पीटे जेल में डाले चाहे जो अत्याचार करे, लेकिन उन सबको साइड में रख के हमें तो गणेश उत्सव करना ही करना है। तो यहां से जैसे तो गणेश उत्सव गांव गांव में जाके व्याख्यान वगैरह देते, 2-4 को पुलिस पकड़ के ले जाता, जेल में बंद करता, फिर दूसरे लोग तैयार हो जाते। मतलब कि हमेशा जो है वो मोटिवेट करते ही रहते थे लोकमान्य तिलक जो है। और अंग्रेजों का पुलिस का उसमें डर कितना था उसका अगर आपको मैं झलक बताऊं, तो जैसे मान लीजिए एक गांव में कोई सिपाही कैटेगरी का, ठीक है, सिपाही का बोलते हैं कोई वो कैपेसिटी नहीं है आजकल जैसे, ठीक है। तो सिपाही अगर बस कुछ ना ले, हाथ में ना डंडा रहे ना गोली रहे ना बंदूक कुछ ना रहे, सिर्फ खाकी वर्द वो अपना वर्दी पहन के अगर वो सिपाही अगर गांव में आ जाए तो सब क्या करते कि अपने अपने घर के दरवाजे जो थे बंद कर करके घर के अंदर, भैया पुलिस आ गया, अंग्रेजों का पुलिस, क्योंकि उसमें पुलिस का कानून इतना जो है सख्त रखा था अंग्रेजों ने कि बस थोड़ा सा जो ऊपर नीचे किया कि बस लाठी चलवाना शुरू कर देते, गोली चलवाना शुरू कर देते, मतलब बिना रहम पीटो मारो गोली चलाओ। तो पुलिस का इतना ज्यादा डर था कि गांव में एक सिपाही आ जाए वर्दी वाला बिना लाठी बंदूक के, फिर भी लोग घर के अंदर घुस जाते एकदम। तो सिचुएशन ऐसा था जो इतना पुलिस का डर था। तो इतना डर होने के बावजूद भी लोकमान्य तिलक ने अपना संगठन बना दिया और फिर लोगों को तैयार कर लिया। सारे के सारे जितने नौजवान लोग थे, कुछ विद्यार्थी कैटेगरी के लोग थे, तो उन्होंने मतलब संगठन जो है बना करके रेडी कर दिया उन्होंने, और फिर गांव गांव में गणेश उत्सव होना शुरू हुआ। तो इससे क्या हुआ कि संगठन बना फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर आगे का क्या, तो आगे उनका प्लानिंग ये था कि जैसे संगठन बन गया, आगे फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए वो संगठन को तैयार करने का उनका मेन योजना था। तो 93 से उन्होंने स्टार्ट किया संगठन बनाना, फिर 96, 97, 98 लगभग तक आते आते तक गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से लोग मनाना शुरू कर दिए। अंग्रेजों का डर जो है भागना शुरू हो गया लोगों के मन से।
ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने गणेश उत्सव जो है शुरू किया। फिर आगे क्या हुआ, तो इनका मतलब दूरदर्शिता देखिए कितना दूर तक ये क्रांतिकारी लोग जैसे देखते हैं। जैसे 1905 में भी लोग देखे, 1857 में कुछ लोग देखे, 90 में देखे। तो एक ये भी एक एग्जांपल है कि कितना दूर तक ये देखते हैं। तो 97-98 तक तो महोत्सव मनाना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो है 1905, आपने ये पढ़ा होगा इतिहास में, 1905 में एक करजन नाम का अधिकारी था, उन्होंने एक बेखूबी भरा काम कर दिया, वो बंगाल का विभाजन, बंग भंग भी उसे लोग कहते हैं, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट करके कानून वगैरह बना करके। तो लोकमान्य तिलक जो थे उस समय पे ये किए कि क्या कहते हैं, गणेश उत्सव का संगठन जो बनाया, साथ साथ में एक और उन्होंने आंदोलन शुरू किया स्वदेशी का, कि हमें क्या चाहिए, हमें पूरा स्वराज्य चाहिए। क्योंकि जो गणेश उत्सव के जो कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता तो गणेश उत्सव हुआ कुछ दिन रहता है गणेश उत्सव, फिर खत्म हो जाता है, तो बाकी दिन क्या करेंगे वो कार्यकर्ता। तो सारे कार्यकर्ता को स्वराज्य के लिए तैयार करना शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन के लिए जो है उन्होंने तैयार करना शुरू किया। कार्यकर्ता भाई खाली बैठेंगे, इससे अच्छा कि कुछ काम कराएं। तो मेन मुद्दा क्या था, कुछ और था, शुरू किसी और से किए, ये सोचने वाली बात है। तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का मतलब जबरदस्त जो है आंदोलन किया 1905 से जो है लेकर के, और अंग्रेजों के खिलाफ जो है जबरदस्त आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। और इसमें बहुत ज्यादा महत्व वाली बात मुझे लगता है, मैं बार बार स्वदेशी का बात करता हूँ तो क्यों करता हूँ, कारण ही उसका ये है कि अंग्रेजों का अगर इतिहास आप पढ़ें तो अंग्रेजों ने जो भी कानून बनाया है अपने जीवन में या फिर अपने इतिहास में, उनको कभी भी अपना नियम कानून अपना फैसला वापस उन्होंने नहीं लिया है अंग्रेजों ने। अगर अंग्रेजों ने कभी हारा है, घुटने टेका है, तो भारत देश में टेका है, और वो इसलिए टेका है घुटने भारत के सामने कि लोकमान्य तिलक ने जो स्वदेशी आंदोलन का जो नारा लगाया था कि स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे, उससे जो है अंग्रेजों का जो चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी अंग्रेजों का सामान जो बिकता था वो पूरा बिकना बंद हो गया, धराशाही हो गया पूरा। तो जब आर्थिक युद्ध जो है ना, गुलामी, गुलाम बनाने का नीति है जो है पहला नीति है, बाकी फिर राजनीतिक युद्ध है, फिर सामाजिक और सांस्कृतिक युद्ध करते हैं, इस तरह से जो आपको मैंने काफी बोलता रहता हूँ, आप सुने होंगे, तो ये करते थे। तो स्वदेशी आंदोलन उन्होंने खूब जोर शोर से नारा लगाया। आज मैं स्वदेशी का बात करता हूँ तो लोग पता नहीं क्या कहते हैं, पागल है, बेवकूफ है, ठीक है। तो मैंने आज ये 15 अगस्त में लगभग लोग स्टेटस लगाते हैं ना, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, जब उनसे मैं कैडबरी का चॉकलेट छोड़ने का बात करता हूँ देश के लिए, वो पीछे हट जाते हैं। तो जो उस समय लोकमान्य तिलक का हालत था वो कैसा था, मैं झलक दिखाऊँ आपको। तो भारत देश में शक्कर नहीं बनता था, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक ने जोरदार जो है आवाज दिया उन्होंने पूरी ताकत के साथ कि हम अंग्रेजों का शक्कर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहिष्कार करो इसका, हम शक्कर खरीदते हैं, हमारा पैसा जाता है उनके पास, उसी पैसे से हमें गुलाम बनाता है, हम पे हुकूमत करता है, जैसे हम आज कर रहे हैं, उस समय वो हालत था। तो लोकमान्य तिलक ने जो है आवाज उठाया। तो ये नौजवानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो बार बार इस तरह का बातें करते थे, व्याख्यान दिया करते थे। एक बार तो इन्होंने विद्यार्थियों को आवाज लगाया एक ही बार कि सब स्कूल छोड़ दो, चलो स्वदेशी आंदोलन करें, कुछ तो होगा देश के लिए, आखिर पढ़ के क्या करेंगे, अंग्रेजों का गुलामी ही तो शक्कर बहिष्कार किए। जो दुकानें सिर्फ शक्कर से चलते थे वो सारे दुकान बंद कर दिए उनका। ये था लोकमान्य तिलक का आवाज और उनका प्रेरणादायक भाषण। अपना रोजगार को ध्यान नहीं दिए उन्होंने कि बंद हो जाएगा, आज लोग पता नहीं क्या क्या मुझे तर्क देते हैं स्वदेशी के कि स्वदेशी नहीं हो सकते ये वो, उस समय शक्कर अंग्रेजों का देन था, बंद कर दिए। हाँ, कुछ मिठाइयां बनते थे गुड़ का इस्तेमाल करके, तो गुड़ का इस्तेमाल से पूरे जो है बनाना शुरू कर दिए। फिर वहां पे शक्कर के जैसा कुछ जो निरमा वगैरह था, निरमे का बहिष्कार, साबुन का बहिष्कार करना उन्होंने शुरू किया। फिर वो सेविंग का जो ब्लेड होता है ना, सेविंग का ब्लेड भारत में नहीं बनता था, तो सेविंग का ब्लेड का इस्तेमाल करना सैलून वालों ने बंद कर दिया, बल्कि हम नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे सेविंग ब्लेड का, तो क्या करें। तो उन्होंने इसका कुछ अल्टरनेटिव निकाला, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो, उस तरह उठा लिया उन्होंने। उस तरह से क्या होता कि जैसे आपका
थोड़ा कटवट लग जाता था, थोड़ा ब्लडिंग आ जाता था, तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है हम सह लेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तो नहीं चलने देंगे यहाँ पे, मतलब इतना मतलब मजबूरी था उनके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे मजबूरी को साइड रख के लिए देश के लिए लड़ा। आज के लोगों को देख लीजिए, आज के लोगों को क्या मतलब उनका शौक सुविधा आप देख रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा आपको, काफी बार बोला हूं सुने भी है आप। तो ये हालत था उस समय का। तो उस समय पे जो है ना आपके लोकमान्य तिलक जो थे वो वकील भी थे उस समय पे, तो वो अक्सर सोचा करते थे कि मैं वकील का काम भी तो करता हूँ, लेकिन जो है मेरा आंदोलन वगैरह में प्रॉब्लम दे रहा है, ये प्रॉब्लम ये दे रहा है कि ज्यादा समय मैं वकील वकालत में लगा देता हूँ, आंदोलन के लिए इस सब के लिए समय कम दे रहा हूँ, और मैं जो कायदे कानून जो मैं तर्क वकील जो वकालत में करता हूँ वो तो अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कायदे कानून के आधार पे कुछ मैं न्याय दिलाने का कोशिश करता हूँ, तो इससे कहाँ कुछ न्याय होने वाला है, इसलिए उन्होंने वकालत भी छोड़ दिया। हालांकि उनके पत्नी ने बोला कि जीविका कैसे चलेगा, पर लोकमान्य तिलक को अपने जीविका का नहीं था, बोला कि जीविका जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो चलेगा, देश के लिए करना है कुछ, मतलब ये उस समय का उनका हालत। तो देश के लिए इन्होंने जो है स्वदेशी आंदोलन का खूब जोर शोर से इसी तरह से नारा लगाया जो है, और घुटने अंग्रेजों ने जो है टेका। फिर क्या हुआ, इसमें महात्मा गांधी इधर नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका साइड कहीं थे, महात्मा गांधी का कोई इधर नाम निशान नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कि या फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव गांव में जाना रहता था, कैसे जाते तो घोड़ा बैलगाड़ी खच्चर माने घोड़ा या फिर पैदल जाना पड़ता था, कुछ तो साधन था नहीं, आज बहुत ज्यादा हाईटेक हो गए हैं, खुद को बोलने लगे हैं, गांव गांव में जाना पड़ता था, चार चार पांच पांच सभाएं करना पड़ता था उन लोगों उनको, तो और आज माइक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उस समय तो वैसे ही गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता था हल्ला कर करके, तो मतलब इतना समस्या को जो है साइड में करके समस्याओं मतलब जो कहते हैं ना अगर सफलता चाहिए तो समस्याओं से लड़ना सीखो। हाँ, अंबिकापुर से जब आया ना इधर तुम्हें तो मुझे ये चीजें एहसास हुए थे, तो जो है चाहे जितने समस्याएं मिले लेकिन लड़ा उन्होंने जो है। तो फिर क्या हुआ, तो हल्ला कर करके धीरे धीरे मतलब इनका हेल्थ का कंडीशन दमा वगैरह जैसा कुछ सांस वगैरह का कुछ होने लगा जैसी का, तो इनका हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा कमजोर होने लगा। तो फिर आए महात्मा गांधी आपके 1905 वगैरह में, तो फिर काम करके फिर अपना कमान वगैरह गांधी जी को दिए कि भैया हम तो इतना मैंने काम किया स्वदेशी की में, आप इसको और आगे ले जाएंगे। तो फिर गांधी जी ने स्वदेशी का नारा फिर शुरू किया लगाना, फिर उसके बाद से तो आप जानते हैं जो है। तो मेन मेरा कहना यह है ना कि गणेश उत्सव का जो शुरुआत किए थे स्वदेशी को लेकर के जो है, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए संगठन बनाने के लिए, मतलब गणेश उत्सव जैसा चीज, दुर्गा पूजा भी यही से निकलता है जो है, बाद में इसके बारे में कुछ और करेंगे चर्चा जो है, लेकिन मेरा मेन कहना यह है कि आज जो गणेश का विसर्जन होता है तो देख लीजिए लोग पी लेते हैं पेट भर एकदम दारू, ऊपर से डीजे बजते हैं, उसमें जान रहे हैं आप कैसे कैसे गाने बजते हैं, और गणेश उत्सव हो रहा है मन रहा है। गणेश उत्सव का शुरुआत लोकमान्य तिलक ने किसी उत्तम काम से किया था, किसी महान कर्म से स्टार्ट किया था, कोई महान काम के लिए किया था, आज देख लीजिए क्या काम हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर गणेश उत्सव सच में मनाना है तो हमें स्वदेशी नीति से और कुछ उत्तम विचार से मनाने चाहिए, यही नहीं कि जब चंदा जमा कर लिए उत्सव के नाम पे और फिर जो है बल भर पिए और बस कुछ भी उल्टे सीधे गंदे गाने लगा करके खूब नाच गान किए, गणेश उत्सव मन गया, ये है हमारा भक्ति। एक लोकमान्य तिलक का विचार देखिए और आज एक हमारा विचार देखिए, तो आप कहेंगे कि अब स्वदेशी का क्या, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी था, आज क्या है हमारे पास, आज भी बहुत प्रॉब्लम है, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलाम बनाया के, आज 1000 ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में, आज भी हम सोते रहते हैं, पर अभी देख लीजिए चीन का हालत भाई, हम जो है ना भारत सरकार जो है गवर्नमेंट जो है और समाज को भी मैं इसमें शामिल कर लेता हूँ जो है कि बिल्कुल बच्चों के जैसा है, जैसे एग्जाम जब आया तो पढ़ना शुरू कर दिए दिन रात एक करके, ठीक वैसे ही जब चीन ने हमला किया तो हम बहिष्कार करो चीनी चाइनीज माल का ये वो करना शुरू कर दिए, जब हमला चीन ने तो अपना असली रूप दिखा लिया था नेहरू के जमाने में, लेकिन हम जो मूर्ख है ना भूल गए,
वही हालत है ना, वही जिन ने उस दिन और हमें और दिखा दिया था अपना रूप, लेकिन हम आज भूल गए। नेहरू जी को जय कहा, सुभाष चिन्ह हमें दिखा रहा है आंखें ऐसे। अगर शास्त्री को जय कहा होता तो चिन्ह को चिन्ह का अवकाश दिखा दिया होता। इसके विश्लेषण कभी जाएंगे हम लोग, लेकिन मेरा मानना ये है यार कि आज जो गणेश उत्सव मना रहा है मनाया रहे हैं लोग, वो बिल्कुल सही नहीं है। गणेश उत्सव किसी उत्तम विचार से शुरू किया गया था, और हमारे जो मैं मानता हूं कि जैसे वो तो हमारे पूर्वज ही हुए ना, हमारे पूर्वज जो थे आजादी लाए, इतना कष्ट करके, इतना मेहनत करके, संघर्ष करके, और हम उस आजादी को बचा ना पाए, समझ लीजिए बचा ना पाए तो फिर हमारा क्या, फिर सोच लीजिए क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो वही ना, बेटा अगर लायक हो तो बाप के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन नालायक हो तो पूरा प्रॉपर्टी कम पड़ जाता है। अब चाहे परिवार को या देश, कुछ उन्होंने बचा के रखा है जो है, तो हमें जो है सहेजना है। लोकमान्य तिलक और बाकी क्रांतिकारियों ने जो देकर के गया है उन्होंने, हमें उसे बरकरार रखना है। हमें साबित करना है कि हम उस आजादी के लायक थे, उन्होंने लड़ा है तो हमारे लिए लड़ा है। सुभाष चंद्र बोस थे, आईसीएस प्रॉपर थे, लेकिन चाहते तो अपना जीवन जिंदगी जी सकते थे, लेकिन करियर को, नौकरी को सब छोड़ छाड़ के देश के लिए काम किए। आज लोगों को देख लीजिए, 15 अगस्त आता है तो भारत माता की जय, पर भारत माता की जय लोग मुंह से कहते हैं, शब्दों में भक्ति होते हैं कर्मों में नहीं होते। अगर हम सब कर्मों में भक्ति ला पाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं चतुर्थी इसीलिए मैं इसमें बोल रहा हूँ ये कि पता कम से कम चले कि गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव मनाना शुरू कैसे हुआ, और हमें उस विचारधारा को जिंदा रखना है, और अब दूसरों को भी पता। जैसे कुछ दुकानदार थे, मुझे अब याद आ रहा है कि जैसे कुछ दुकानदार थे या कुछ कस्टमर्स ऐसे थे, ठीक है आज भी मिलते हैं ऐसे लोग, ऐसे थे जो कि कहते थे कि भाई तुम कुछ कहो हम तो यूज करेंगे ही करेंगे अंग्रेजों का सामान, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक ने ऐसा ट्रेनिंग दिया था ना उनको, ऐसा ट्रेनिंग दिया था कि एक बार हुआ ये कि आंदोलन कर रहे थे लोकमान्य तिलक विद्यार्थियों को लेकर के, ठीक है। तो ये सामने वाला गया अंदर सामान लेने, मना किए कि भाई तुम सामान मत लेने जाओ। तो क्या किए, तो सारे स्टूडेंट्स गए जो है लेट गए, दुकान में घुसा कस्टमर सामान लेने, जब घुसा तो फिर सारे लोग जो थे पहले तो मना किए कि मत खरीदो, लेकिन वो नहीं माना, सामान लेने चला गया, ठीक है। तो जितने विद्यार्थी थे सारे के सारे सो गए कि तुम में अगर हिम्मत है तो हमारे शरीर पे रख के पैर तो जाओ, इतना मतलब यो दृढ़ प्रतिज्ञ थे जो ये काम। एक बार का और हालत ये है कि कोई व्यक्ति आया सामान लेने चला गया दुकान में, सामान खरीद लिया, ठीक है। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, लोकमान्य तिलक और बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने किया, उसका सामान उससे लिए, सामान को उसको पूरा पैसा दिए, सामान को वहीं जला दिए, ऐसे किए मतलब ये। सामान को वहीं जला दिए, जो सामान लेने आया था वो देखने लगा पूरा जी कि मेरे को लगा कि सामान ये लोग रख लेंगे मुझे पैसा दे देंगे, तो विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं हम रखेंगे भी नहीं तुम्हें लेने भी नहीं देंगे इधर ही जलाएंगे इसको, मतलब उस समय का इतना दृढ़ प्रतिज्ञ थे वो। और लोकमान्य तिलक का इंसान जरूर ही वापस कर दिया होगा सर, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, वही चीज है ना कि इतने वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे जरूर कर दिया वही। और आज के लोग हजारों बहाने लगाते हैं क्या करें ये है वो है, उस समय का सोच और आज का सोच। एक लोग थे जो संघर्ष करके आजादी दे दिए, उनसे मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा संघर्ष हमें आज करने की जरूरत है, क्योंकि पहले जो था अंग्रेज था वो दिखाई देने वाला दुश्मन था, और आज है वो दिखाई देने वाला दुश्मन नहीं है, तो दिखाई देने वाला दुश्मन से ज्यादा खतरनाक दिखाई ना देने वाला दुश्मन है, क्योंकि
अब आपको जिससे लड़ना है वो काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज तो चले गए, अब काले अंग्रेज थे। आजादी के बाद दो चीजें बदला, एक तो रंग, दूसरा एड्रेस। रंग में ये कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हो गए। एड्रेस माने ये कि पहले अंग्रेज थे, अब भारतवासी हो गए। हाँ वही दो ही चीजें बदला है, सारे कायदे कानून के चल रहे हैं आज भी। इसलिए मैं बार बार इस बात मैं बार बार यही बात मानता हूँ कि अभी भारत आजाद नहीं है, अभी भारत गुलामी है। चलिए इस पे कुछ काम करने की जरूरत है और हमें सोच विचार फिर से करना चाहिए कि गणेश उत्सव मनाना कैसे है। चलिए मैं इतने से बंद करता हूँ।